जब हम छोटे थे जो भी सोचते थे हो जाता था। रूपनगर में रहते थे, रिश्ते कितने सच्चे थे, फिर वो सब छूट गया, खिलौना टूट गया, ऐसा हुआ जाने क्यों, दिल ये बातें माने क्यों। Tell me why, tell me why, ये हुआ जाने क्यों। Tell me why, tell me why, दिल ये माने क्यों। आंटी के दिल में क्या था हम दोनों बहनें नहीं समझ सके। मेरे लिए उनका मशवरा हॉस्टल में जाने का था और माया को अपने ग्रेड बेहतर करने के लिए आंटी के साथ मरी में ही रहना पड़ा। मैंने डैड से कहा था कि माया का बहुत ख्याल रखे, लेकिन डैड अपनी सियासी जिंदगी में बहुत मसरूफ थे। फिर पता चला कि आंटी माया को पसंद नहीं करती। माया हमेशा से हम सबकी बहुत लाडली रही है, इसीलिए आंटी माया के लिए एक नया तजुर्बा। अरे बिटिया थोड़ा सा खा लो, पता है डैडी आ गए नीचे और हमने उनको सारी बात बता दी है। उन्होंने अतिया बेगम की खूब क्लास ली है, हमें तो बड़ा मजा आया। अच्छा, बस वो ऊपर ही आ रहे हैं, आप इन्हें सारी बात बता देना उनको। बेटा ये शहर में क्या खबर गर्दिश कर रही है कि मेरी बेटी नाराज है। हाँ क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? डैडी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मीना चली गई है, आप चले जाते, और आंटी मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, क्यों डैडी? बेटा उदास मत हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बोलो क्या हुआ? आपको पता है मैं कल से इस कमरे में बंद हूं, मुझे बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है और मैंने खाना भी नहीं खाया। और क्यों खाती मैं अकेली कमरे में बंद? आपने तो कभी ऐसी सजा नहीं दी, और वो भी उस सफिया बी की शिकायत पर। देखो बेटा तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ हो, और ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें आने जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अच्छा चलो नाश्ता करो। और आप लोग मुझे ए लेवल्स क्यों नहीं करने दे रहे? मुझे पढ़ना है डैडी, प्रिंसिपल ने भी कहा मैं खूब मेहनत करूंगी। मैं इस तरह इस घर में बंद नहीं रह सकती, मुझे बर्तन वर्तन नहीं धोने, मुझे सिलाई का नहीं शौक है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? ठीक है बेटा, तुमने जो नहीं करना वो मत करो। तुमने ए लेवल करना ना, तुम ए लेवल करोगे, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा, सारा बंदोबस्त करूंगा, ठीक है? प्रॉमिस? यस, चलो। थैंक यू डैडी। नाश्ता करो, मैं यहीं बैठा हूँ, ये लो। डैडी मैं नाश्ता कर लूंगी, आप जाए। और डैडी एक और बात, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। यू नॉटी गर्ल। चलो नाश्ता करो, ओके? शाबाश। लव यू। गुड। गुड गर्ल। पाजी सब आ रहे हैं और बहुत गुस्से में। अच्छा तुम जाओ। की पसंद की कॉफी बनाइए। थैंक यू। आपको बुरा लगा हमने माया के साथ सख्ती की? बच्चों की तरबियत करने में अगर थोड़ी सख्ती की जाए तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन बच्चों को भूखा रखना, कमरे में बंद रखना, ये कोई तरबियत नहीं है। साफ साफ कह दीजिए, हमें आपकी बेटियों पर
कुछ बोलने का हक नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, आपको पूरा हक है। मैंने इन बच्चों को फूलों की तरह पाला है, लेकिन बिगड़ने नहीं दिया। शौक और शरारत तो हर बच्चे का हक है, आपने भी की होंगी, लेकिन उसने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की होगी और ना कर सकती है। हाँ साहब, बहुत गुस्सा किया था बाजी पे, कसम से साहब मैं सच। तुम क्या सब बातें सुनती रहती हो, जाओ यहां से, चलो जाओ। अच्छा बाजी, क्या बदतमीजी की थी उसने? नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कर भी ली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रातों को छुप छुप के निकलना तो कोई अच्छी बात तो नहीं ना। देखिए ना, कल को कुछ हो गया तो आप हमें ही कसूरवार ठहराएंगे ना। अतिया बानो, मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे उनके बाप का सर शर्म से झुक जाए। वो रातों को कहाँ जाती है, किससे बात करती है, किस दरख्त के नीचे बैठती है, मुझे पिछले 5 सालों से मालूम है। पर रही बात आपको कसूरवार ठहराने की, तो मैं आपको कभी भी इल्जाम नहीं दूंगा। कल मैं लाहौर जा रहा हूं बिशारत के साथ चंद दिनों के लिए। ये जरा दिखाओ ना। हाँ ये वाली दिखाओ। आलम आरा, नूरा आप लोग क्या कर रहे हैं? आंटी सफाई हो रही है, इतने नौकर हैं इस घर में, दो दो बेटियां हैं और अलमारी गर्द से भरी हुई है। आलम आरा, आपने ने कुछ बताया नहीं। आंटी इस कबर्ड में जितनी भी चीजें वो हमारी मम्मी की हैं, डैडी ने हमें तक इजाजत नहीं दी ने छूने की। आप प्लीज ये सब छोड़ दें, मैं बाद में सफाई करवा दूंगी। सफाई हो चुकी है, तुम जाके कपड़े बदलो और खाना खा लो। आज शाम हम कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं और तुम्हारे डैडी सियासत के सिलसिले में बशारत के साथ 4 दिन के लिए लाहौर गए हैं। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? हमें तो बताया है ना, हम आपको बता रहे हैं। आप जाइए कपड़े बदलिए और खाना खा लीजिए। ये सब चीजें साफ करके वापस रख दीजिए। ये फाइल हमारे कमरे में रखो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, किससे बात करनी है आपको? शट अप स्टूपिड, दोबारा फोन मत करना इडियट। हेलो, मैंने आपसे कहा था आप दोबारा फोन मत करें, मैं कमिश्नर साहब को फोन करके कंप्लेन कर दूंगी। आलम आरा, शफीक, ये शोर क्यों मचा रही है? शफीक, आलम आरा कोई बहुत ही बदतमीज इंसान फोन किए जा रहा है, आप प्लीज ट्रेस करवा दें। ये क्या हो रहा है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? आंटी कोई बहुत ही स्टूपिड इंसान फोन किए जा रहा है, देखिए फिर से फोन कर रहा है। रहने दो, हम देखते हैं।
जाइए, तुम भी जाओ। हेलो, हाँ क्या बात है, क्यों यहाँ फोन किया? आपको एक दफा कहा है ना करें, ऐसी कोई जरूरी बात हो तो हमारी मोबाइल है, मोबाइल पे फोन करें, हद हो गई। ये आपके अखराजात बार बार क्यों, देखिए ये बहुत, पर क्यों बढ़ते जा रहे हैं आपके अखराजात? ठीक है, किसी को भिजवा दीजिए, हम चेक लिख के दे देंगे। और हाँ, खुद नहीं आना, मना किया ना, खुद नहीं आना यहाँ, पकड़वाएगा। क्या क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता लगा? आया तुम और तुम्हारी सिक्स सेंस। ये बताओ डैड कब आएंगे? ठीक है, फ्राइडे तक तो मैं भी आ जाऊंगी, दो दिन होंगे हमारे पास, खूब एंजॉय करेंगे, तुम परेशान ना होना। हाँ बाय बहन। हाँ बता रही थी कि आंटी ने स्टडी रूम की सफाई करवाई है, जबकि डैड तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। और ये भी बता रही थी कि किसी अनजान शख्स ने उसे फोन करके उससे फोन पे फ्लर्ट करने की कोशिश की है। बहुत गुस्सा हो रही थी। माया का ख्याल है कि ये फोन करने वाला शख्स आंटी का कोई जानने वाला हो सकता है। क्या सुतीली माया ऐसी भी होती हैं? तो तुम देखती नहीं हो, पुराने जमाने के सारे फैशन वापस पलट कर आ गए, इसलिए पुराने जमाने की सौतेली माएं भी फैशन में आ गई हैं। उफ, अल्लाह रहम करे। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दो दिन और कैंटीन का खाना खाया ना तो बस इस झंझट से जान छूट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खाना खाने से मैं मर जाऊंगी। हाँ कह तो सही रही हो, खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है यार, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचो मेरे मरने से पहले। अल्लाह मेरा पेट। अस्सलाम वालेकुम, हमें डॉक्टर साहिबा से मिलना है। जी अंदर चल जाइए। ओके। हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। आप ही ने मुझे कॉल की थी। जी जी, इस केस के बारे में कुछ पता कर सकती हैं? I'm sorry, मुझे तो यहाँ सिर्फ 5 साल हुए हैं आए, शायद ये मुझसे बहुत पहले की बात है जिसका मुझे इल्म नहीं। लेकिन यहाँ किसी को तो इल्म होगा ना? यहाँ पर एक स्टाफ नर्स है जो 15-20 साल से यहाँ पर काम कर रही है, शायद वो आपकी मदद कर सके, मैं उनको बुलाती हूँ। प्लीज हम वेट करेंगे। जी शगुफ्ता को भेजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया है? ये इनकी फाइल है जी, ये जरा देखिए क्या केस है, क्या आप मदद कर सकती हैं? अगर आपको जहमत ना हो तो आप इस केस के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? दरअसल हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है इस केस से। जी मैं चेक कर लेती हूँ।
लगता है हमारी लाई हुई खुशबू पसंद आई है, जो इस कदर इस्तेमाल हो रही है। एक हफ्ते का कह के गए थे, पूरे एक माह के बाद आए, वो भी एक परफ्यूम की बॉटल के साथ। देखे भाई, हमें तो शॉपिंग वॉपिंग बिल्कुल करनी नहीं आती। वो तो सेल्समैन के पास गए, कौन सी अच्छी परफ्यूम है उसने इसका बताया, हमने खरीद ली। बहरहाल थैंक यू सो मच। घर के कामों में भी इंटरेस्ट लिया करो, या फिर कोई एडवाइस ही कर दो हमें। घर में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो माली है ना, बाग का बिल्कुल ध्यान नहीं देता। सुना था आपका पुराना माली आर्मी से रिटायर होकर आपके पास आया था, जान डाल देता था बाग में। उसे वापस बुला लीजिए ना। उसको तो गैर में भी जमाना हो गया, पता नहीं है भी कि नहीं। वो चला क्यों गया? सस्ती किस्म की शराब पीता था, बीवी उसकी मर गई थी, बच्चे थे नहीं। आपको उसकी क्या फिक्र है, हम किसी और को बुला लेंगे। नहीं, फिक्र नहीं है, लेकिन लोग उसकी फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। वो क्या? You know, लोग गॉसिप तो करते ही है ना। वैसे माया जरमीना से बहुत अलग है। देखो भाई, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन फैमिली एल्बम में भी उसकी कोई फोटोग्राफ नहीं है, और शजरे में भी कोई जिक्र नहीं है उसका। अच्छा, तो आपने हमारे कागजात की तलाशी ली? कर भी सकते हैं, आखिर आपकी बेगम जो है। जरूर ले, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि माया जरमीना की बहन है, और आप उससे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगे। आप हमें धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि बेटियों के दिल कांच की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी बात से टूट जाते हैं। और मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि उस शख्स को माफ कर दूं जो मुझ पर वार करे। आप तो संजीदा हो गए, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। कर लिया? कर लिया। हम इस बात को यही रहने दें, हमारे रिश्ते के लिए यही बेहतर है। Your wishes are my command. Listen. देखो बेटा, इस बार मैं महीने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सूबे के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे लोगों से मिलना है, मीटिंग्स करनी है, और इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास भी है, देर तो हो जाएगी। मगर तुमने जी लगा कर पढ़ना है। तर्मीना से मेरी बात हो गई, या तो वीकेंड पे वो तुम्हारे पास आ जाएगी, या तुम्हें अपने पास बुला। गुड लक डैडी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं ठीक रहूंगी। माया का ख्याल रखें। बाय, हाफिज। मैं नीचे जाके खाना नहीं खाऊंगी, आप प्लीज इधर ही भेज दीजिएगा। आलमारा, आप जाइए।
मैंने आलम आरा से कह दिया है मैं अब खाना नीचे नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ अपने कमरे में खाऊंगी। खाना बेडरूम में नहीं आएगा, जिस किसी ने खाना है तमीज से नीचे आके खाएगा। माया, ये क्या है? माँ का नाम परी गुल बादल खान, तो ऊपर पढ़ो बच्चे का नाम क्या है। माया शाहजेब खान। दूसरा पढ़ो, ये तो मीना का है। माँ का नाम कश्माला शाहजेब खान। ये मैंने वेरीफाई कराए हैं हॉस्पिटल से खुद जाके। मीना तो यहीं कहीं CMH में पैदा हुई और तुम एक छोटे से इलाके के छोटे से हॉस्पिटल में पैदा हुई। जैसे कि तुमने पढ़ा, तुम्हारी माँ का नाम परीगुल था। वो यहाँ के हेड माली की बहन थी। इस तरह से तुम यहाँ के माली की बहन की बेटी हुई ना? नहीं मानती, ये सच नहीं हो सकता। झूठ है ये सब, सब झूठ है। ये जरूर आपकी कोई घटिया साजिश है। खुशखबरी सुनाओ। हाँ सुनाओ। हमारी प्रॉब्लम का हल मिल चुका है। अच्छा, कौन सी प्रॉब्लम का? भाई वही खाने वाली। ओह क्या? यही कि मेरे कजन का फोन आया था, उसने बताया कि यूनिवर्सिटी के पास में ही बहुत अच्छे अपार्टमेंट है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना। किराया कितना होगा? कंजूस की ना जिंदगी अच्छी है ना मौत। किराए वराए को भूल जाओ। मैंने अबू को बोल दिया है कि भाई यहाँ का खाना खा खा के मैं मर जाऊंगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो इल्जाम सीधा उन पर आएगा। रियली? तुमने ये कह दिया? कह भी दिया और लिख के भी दे दिया है, यू नो, और वो राजी हो गए हैं। बल्कि मैंने ये भी कह दिया अबू को कि आप जल्दी से शिफ्ट करवा दीजिए और एक नौकरानी का भी इंतजाम कर दीजिए। अब बेचारे अबू अपनी इकलौती बेटी को मरता हुआ तो नहीं देख सकते। ये भी है। वैसे अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन कभी कभी अच्छी जिंदगी जीना भी अपने बस में नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा करते हैं कि हम शाम को अपार्टमेंट देखने चलते हैं, कैसा आइडिया? क्या तुमने सारे इंतजाम कर लिए हैं? हाँ, मैंने प्रिंसिपल को भी बता दिया और पूरी यूनिवर्सिटी को बता दिया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पैकिंग शुरू करें अभी से? हाँ अभी से करना शुरू कर देते ना। तो नहीं है ये बिस्किट और जूस है? आलम आरा, मैंने कहा ना अभी मुझे भूख नहीं है। बिटिया थोड़ा सा तो। आलम आरा प्लीज जाए यहां से, जाए।
गया ना। ना रोते नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं कभी नहीं चीखूंगी आप पे। बेटिया तुम चीख लेना, तुम छोटी छोटी सी थी ना जब से पाला है तुम्हें, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। देखिए ना नान, डैडी भी चले गए, मीना भी मुझे छोड़ के चली गई, अगर आप भी मुझसे रूठ जाएंगी मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। वाओ, बहुत ही अच्छा है ये तो। और ये तो फर्निश्ड भी, आपने बताया नहीं। ये तो फुली फर्निश्ड है, आप दोनों को बहुत पसंद आएगा। और क्या फ्लैट है जनाब? अच्छा, ये लो। आप कौन जी? आप कौन जी? मेरा नाम फायजन है, ये मेरे स्टेट एजेंट है, ये अपार्टमेंट दिखाने आया मुझे। ये है मेरी फ्रेंड, मेरी रूम पार्टनर, और ये फ्लैट तो हम ले रहे हैं जी। लेकिन नामा तुमने बात नहीं की थी क्या पहले? मेरी बात सुन ले, खामोश जी। आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आपको कोई कंफ्यूजन है। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं इससे पहले ही अपार्टमेंट देख के जा चुका हूँ, ये मेरे स्टेट एजेंट है, इन्होंने मुझे दिखाया था। अब बोलिए। लेकिन बात सुने, इन्होंने 8,000 रुपए एडवांस पहले मुझे दे दिया। क्या? बिल्कुल। 8,000 जी। ये लीजिए पूरे 10,000 रुपए ये एडवांस रखे अपने पास। 10,000 रुपए ये ले जी। ये है आपके पूरे 4,000, ये ले 12,000 रुपए हो गए। ठीक है, ये हो गए पूरे 15,000 रख लें ये। 15,000 ओके। ये 3,000 और मैं और देती हूँ आपको, हटे जल्दी से दो। सुनो क्या कर रही हो? है ना क्या? अरे देने दो ना, मैं सिर्फ इतने। हाँ। ये ले 3,000 और 15,300 रुपए, अब तो हमारा हो गया ना। अब देखें बात ये है कि इन्होंने एडवांस भी मुझे दे दिया और ये आपसे पहले भी मेरे पास आई थी, लिहाजा फ्लैट इनका हुआ। ये उसूल की बात है जी। अजी आप वहाँ भी यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ भी यहाँ बोल रहे हैं, किसकी साइड है भाई आप? ओ जी अच्छा दफा करें, छोड़ें, मुझे बताएं इस बिल्डिंग में कोई और अपार्टमेंट है? हाँ जी क्यों नहीं, इस बिल्डिंग में और भी फ्लैट खाली है, मैंने बताया था ना पहले आपसे। जी किराया कितना है? ओ जी चूंकि उसका फ्रंट व्यू नहीं है ना और लान वान भी नहीं है, इसलिए उसका किराया कम है। जी चलिए आइए, वो दिखाइए। जी पैसे वापस करें आप, और भी हैं। एक्सक्यूज मी, जितनी भी बहस हुई उसके लिए वी आर सॉरी। मैं क्यों? नो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। एक्चुअली अगर आपकी दोस्त सॉरी करती तो वो एक्सेप्ट नहीं करता मैं। बाय द वे मेरा नाम फाइजर है, आप? मैं जरमीना हूँ और ये मेरी रूममेट नायमा। नायमा, ये मैंने इनका नाम पूछा ही नहीं है। हाय। मैं आता हूँ, इंतजार करता हूँ। जी जी बिल्कुल। वाह कितना अच्छा है ना, खूबसूरत। पापा ने मुझे बताया नहीं था ये पहले से फर्निश्ड है। वैसे नायमा तुम्हें सर से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। किस से यार? फाइजर से। बात सुनो, हम अपना स्टेडियम रूम ना बिल्कुल वहीं पे बनवाएंगे, ठीक है? हाँ वो सारी बात की बात है, लेकिन नायमा तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे सॉरी कहना चाहिए था। अरे किससे सॉरी करना चाहिए था? अच्छा यहाँ हम टीवी रखेंगे और ना बहुत सारे शोपीस ले आएंगे, वो भी बहुत यहीं पर रखेंगे इधर। सुनो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो? हाँ ना ये तो देखो प्लान कितना अच्छा है यार, बात बाद में कर लेंगे। जो भी है लेकिन तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था फाइजर से। क्या फाइजर 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 भाई, तुम्हें तो एक पहली मुलाकात में नाम भी याद हो गया। बात पहली मुलाकात की नहीं है नायमा, बात यह है कि तुम्हें उससे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। ओह गॉड, तुम्हें पहली मुलाकात में ना उसको ना लंच पे ले जाना चाहिए था, ये बिल्कुल बेहतर था। मैं ये नहीं कह रही,
तो फिर क्या मतलब है? मैं तुम्हारा सारे मतलब समझ रही हूँ, सही है ना? यहाँ पर बहस करने का टाइम नहीं है, वो मैनेजर बाहर खड़ा हुआ है, उसको पैसे दे के डन कर लेते, सारे पेपर्स वगैरह कर लेते, इससे पहले कि वो वहाँ पर बाहर जाके ना कुछ करें। चलो ये बैग पकड़ो जल्दी से, आ जाओ, टाइम नहीं है ना, जल्दी आओ, आओ। हमारा खानदान पिछले 100 साल से इस इलाके में रह रहा है, यहाँ की आवाम की खिदमत कर रहा है, यहाँ के बच्चे हमारे बच्चे हैं, यहाँ का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा इलाका गरीब इलाका है और मौसमों की शिद्दत की वजह से यहाँ पर हर घर में बीमारी फैली हुई है, जिसमें खासकर टीबी, दमा और जोड़ों का दर्द है। वैसे तो इस इलाके में बहुत से छोटे मोटे अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मेरा जो घर लोअर मरी में खाली पड़ा है, उसको अस्पताल में मुंतकिल करके गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। तालियां। मुझे आप लोगों की सपोर्ट अगर मिलेगी तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं, जैसे मेरे बुजुर्ग यहां करते आए हैं। इसी तरह मैं भी ये चाहता हूं कि इस इलाके को तरक्की याफ्ता बनाऊं। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए। यहां मैं बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूं, उनके लिए अस्पताल बनाना चाहता हूं, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूं जो कि आजकल के बच्चे उस टेक्नोलॉजी को सीखें। वाकई मेरे साथ हो रहे? मुझे यकीन नहीं आ रहा है मम्मी, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। मम्मी ये नहीं हो सकता, मुझे तो बे इंतहा प्यार मिला है, ये सब झूठ है ना? आंटी हमें अलग करना चाह रही है, शर्मीना को अलग कर दिया, मुझे तरह तरह से जलील करके घर से निकालना चाह रही है। मगर मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं इतनी कमजोर और बुजदिल नहीं हूं, मैं जरूर लड़ूंगी, जंग है तो जंग ही सही। मुझे इस कमरे से जाने का हुक्म नहीं दे सकती, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहूं या जाऊं मेरी मर्जी। आप मेरे घर में रहती हैं, मैं आपके घर में नहीं रहती। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए? जी नहीं नहीं, मैं पढ़ चुका जितना पढ़ना था मैंने। अच्छा, फिर जॉब करते हैं आप? मिलती नहीं होगी। ऐसा भी कुछ नहीं है जी, मैं आजकल ढूंढ रहा हूँ लेकिन जॉब अभी तक मिली नहीं है। ऐसे अगर जॉब नहीं मिली तो क्या करूँगा, अखबार बेचूंगा या फिर किसी होटल में वेटर बन जाऊंगा, खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। जर्मीना तुम ये सब घर में क्या हो रहा है? आंटी मैं माया को लेने आई हूँ। कौन हो तुम? रात के 12:30 बजे अकेली लड़की, वो भी जंगल। अरे कौन हो तुम? वो भी घर के पीछे के रास्ते से। जब हम छोटे थे जो भी सोचते थे हो जाता था,
कहते थे रिश्ते कितने सच्चे थे, फिर वो सब छूट गया, खिलौना।